आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 5 दिन की ईडी की रिमांड में भेजा जा चुका है। 4 अक्टूबर की सुबह संजय सिंह के घर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एक टीम ने छापा मारा था। 4 अक्टूबर की देर शाम तक छापेमारी की यह कार्रवाई चलती रही और देर शाम संजय सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया गया। संजय सिंह के घर पर छापा मारा गया था दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी से जुड़े कथित घोटाले के केस में। ये वही केस है जिसमें दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं। संजय सिंह को 5 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की ईडी की रिमांड में भेज दिया गया। इस पूरे मामले के चलते, संजय सिंह की गिरफ्तारी के चलते, देश की सियासत भी गर्म है। आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। कहा है कि चूंकि संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे, राज्यसभा में भी बोल रहे थे, इसलिए उन पर यह कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गई है। आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों के नए गठबंधन INDIA यानी इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी को गठबंधन से कितना साथ मिला, यह भी एक ध्यान देने वाली बात है। दरअसल आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर एक तरह से तो गठबंधन के साथ ही चल रही है, उन्हें बाकी साथियों से समर्थन भी मिला है, लेकिन जमीन पर पार्टी कुछ अलग अलग सी अकेली सी दिख रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 5 अक्टूबर को भी और 6 अक्टूबर को भी तमाम स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े नेता ही ज्यादा दिखे, किसी और नेता का साथ उन्हें जमीन पर नहीं दिखा। हालांकि एक तरीके से बयानों के साथ ही आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियों से समर्थन मिला है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें जो इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस का समर्थन आम आदमी पार्टी को इस मसले पर मिलने में करीब करीब 24 घंटे लग गए। 4 अक्टूबर को संजय सिंह गिरफ्तार हुए थे। 6 अक्टूबर को कांग्रेस की तरफ से केसु वेणुगोपाल का एक ट्वीट आया जिसने स्थिति स्पष्ट की। इस ट्वीट में उन्होंने एक तरफ संजय सिंह की गिरफ्तारी की निंदा की, लिखा कि संजय सिंह जी की ईडी द्वारा गिरफ्तारी ने भारतीय जनता पार्टी के बदले की राजनीति को और भी निचले स्तर तक पहुंचा दिया है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सुखपाल खैरा, जो पंजाब में जिनकी गिरफ्तारी हुई है, पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था ड्रग केस में, उसकी भी निंदा की और लिखा कि हम जिनका विरोध कर रहे हैं उनके जैसे ही नहीं बन सकते। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी को अखिलेश यादव का भी साथ मिला है, RJD का भी साथ मिला है। RJD के राज्यसभा सांसद मनोज झा संजय सिंह के घर भी गए थे, उनके माता पिता से भी मिले थे, लेकिन जमीन पर विरोध प्रदर्शनों में आम आदमी पार्टी अकेली जूझती नजर आ रही है। NVT ऑनलाइन की रिपोर्ट।